तो बन गया ठीक है। तो टाटा तो बोल दे सबको, टाटा बोल दे। नहीं सॉरी, क्या था? तो भाई यहाँ पे हमारा चिकन तंदूरी आ चुका है और नंदनी इस पर टूट पड़ी है बिल्कुल। भूख लग रही है बहुत। तो हेलो दोस्तों, आज कुछ स्पेशल है। आप गैस करो कि क्या स्पेशल हो सकता है। किया, आज मेरा बर्थडे है। आज मैं तैयार होकर घूम रहा हूँ थोड़ा सा, और आज नंदनी भी कुछ तैयार होकर घूम रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ है ये देखो, ये भी आज तैयार होकर घूम रही है बिल्कुल हील वील पहन के, और मुझे भी तैयार करवाया है। ये नंदनी ने मुझे दिलाया है बर्थडे पे, और यही मैं पहन के जा रहा हूँ अब अपने बर्थडे मना रहे हैं। और आज हम जाएंगे पठान मूवी देखने। अब मेरे बर्थडे पे पठान मूवी रिलीज़ हुई है और कोई ऑप्शन था नहीं, हमने सोचा कि क्या करें, पर पठान मूवी एक्साइटिंग लग रही है और एक्शन मूवी है, तो हम साथ सोच रहे हैं कि अपने बर्थडे पे पठान मूवी ही देखें। तो आपको हम पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, पठान मूवी कैसी है, क्या है, सब कुछ इस फिल्म पे इसमें बताएंगे ब्लॉग में। और फिल्म कैसी है, हमने कैसे हॉल में भीड़ है, किस तरीके से हम जाएंगे, कहाँ हम जा रहे हैं, वो सब आपको मैं इस वीडियो पर दिखाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहिए, और जिसने भी मुझे विश किया उसे भी थैंक यू। ये देखो, ये इसने मेरा रात को बर्थडे मनाया था, हैप्पी बर्थडे, और यहीं पे मैंने केक काटा था। कितनी खुश हो रही है, शुक्रिया फॉर दिस। और ये पेड़, इसने स्टिकर लगाया है रूम पे और हैप्पी बर्थडे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे से उतर रहे हैं अब हम, जो पास में हम बाइक से जाने वाले हैं, हम लोकल ट्रेन से नहीं जा रहे आज, और लोकल ट्रेन से नहीं जाएंगे। वसई पास में ये 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम अपनी बाइक से ही जाने वाले हैं वसई। केटी सिनेमाज है कोई, ये क्या हो रहा है, केटी फिसल गई है, केटी सिनेमाज है, वहाँ हम जाने वाले हैं। ये हमारी साधन, तो ये रास्ता है जो वसई की तरफ जा रहा है। हाईवे से निकलेगा बस वसई, और वहीं से सिनेमा हॉल है। नए गाँव में कोई सिनेमा हॉल नहीं है इधर की तरफ, तो हमें बाइक से वसई जाना पड़ेगा। तो हम ये वसई के लिए फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं। इधर से मेट्रो, जो लोकल ट्रेन है उसका रास्ता है, और जो ऊपर जा रहा है ये वसई का रास्ता है, लोकल नॉर्मल रास्ता। के टी विजन सिनेमा जाना है हमें। मराठी विद्यालय, ऐसी गाड़ी में बैठे तुझे, ठीक है, शोले बनाएंगे हम। ये रहा प्रांड का पोस्टर, बॉक्स ऑफिस के टी विजन सिनेमा। भाई हम हॉल के बाहर आ चुके हैं, नंदनी वहाँ टिकट ले रही है, और इधर पीछे पठान का पोस्टर देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे। और हमारा 3:30 बजे का टाइम है देखने का, उसके बाद मैं आपको रिव्यू भी दूंगा कि मुझे फिल्म कैसी लगी, और पब्लिक रिएक्शन भी दिखाऊंगा। वैसे ये हॉल मॉल है, तो यहाँ पर पब्लिक उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती, सिंगल थिएटर में रिएक्ट करती। तो ये है भाई पठान मूवी का टिकट, 11-12D। और भी फिल्में, जग्गू जूलियट में हमने भी काम किया है, जिसका पोस्टर लगा है यहाँ पे। और आने वाली फिल्म है ये भोला, भोला भी मैं देखने आने वाला हूँ, और ये पठान जो हम देखने आए हैं आज। तो इसमें आपको दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। फिल्म का नाम है पठान, यशराज प्रोडक्शन की फिल्म है, डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, और आज ये फिल्म रिलीज़ हुई हिंदी, तमिल, तेलुगू, सारी भाषाओं में। तो हमने टिकट ले लिया है, 11-12 सीट नंबर है, और जो हमारा टिकट का टाइमिंग है वो 3:30 बजे है। 3:30 बजे से लेकर 2.5 घंटे की फिल्म है, तो लगभग 6 बजे तक ये फिल्म ख़त्म होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म कैसी लगी, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और ये वसई में है केटी सिनेमास थिएटर, और हम बाइक से आ गए यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, 7-8 किलोमीटर था,
तो भाई साहब ने हमने अच्छा समझा, क्योंकि लोकल ट्रेन रख के घर जाना फिर शाम को वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बाइक से जाना बढ़िया लगा। लोग चेकिंग करा के अंदर जा रहे हैं और फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। भीड़ अभी बहुत कम है, मुझे यहाँ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग हैं मतलब कि 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस हॉल में शायद इतनी भीड़ ना हो, सिंगल थिएटर के लिए फिल्म है तो सिंगल थिएटर में, इस सिनेमा में इतने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिंगल थिएटर की फिल्म ज़्यादा है ये मल्टीप्लेक्स के मुकाबले, तो लोग सिंगल थिएटर में ज़्यादा होंगे। इस थिएटर में मुझे 10-12 लोग ही नज़र आ रहे हैं अभी तक, शायद एक घंटे के अंदर लोग ज़्यादा आ जाएं और भीड़ हो अंदर थिएटर में, बाकी थिएटर का माहौल क्या होता है ये देखते हैं। भाई उदास उदास सी क्यों लग रही, देर देख क्यों भाई, लोगों को देख के एक्साइटमेंट आती है, पता चलता ना मूवी का फिर बच कितना है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी लोग आ जाएंगे एक घंटे के अंदर लगता है, ठीक है मज़ा आएगा अंदर, हल्ला हल्ला मचाएंगे फिर, ठीक है तू हल्ला मचाएगी। मेरा कोई फेवरेट हीरो नहीं है, बट हाँ अगर रश्मि की लगती या फिर किसी और की तो शायद। रश्मि कौन है, रश्मि खान, कुछ नहीं छोड़ो। ओके तो मैंने आपको दिखाया, अभी पब्लिक बहुत कम है हॉल के अंदर और इतने लोग नहीं हैं और हॉल खाली नज़र आ रहा है मुझे इधर की तरफ, देखते हैं शायद और हॉलों में शायद भीड़ हो इतनी। ये वसई मार्केट है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम फिल्म देख के वापस आ गए हैं और अब उसी फ्लाईओवर से वापस जा रहे हैं घर की तरफ। 6 बज चुके हैं, 6 बजे उसका शो ख़त्म हुआ है और आपको मैं बताऊंगा कि फिल्म मुझे कैसी लगी और क्या क्या था उसमें, आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों पिक्चर देख के अब हम डिनर करने आए हैं यहाँ पे, ये बॉलीवुड कैफ़े ही लग रहा है, यहाँ सारे एक्टर्स की फ़ोटो लगी हैं, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र सब की। और नंदी थक गई है, जब देख ये थक गई है, अब डिनर करने के लिए बैठी है। अब उसने कढ़ाई चिकन ऑर्डर किया है कि कढ़ाई चिकन खाऊंगी, नान खाऊंगी और बिरयानी खाऊंगी, चिकन तंदूरी खाऊंगी। तो तुम मुझे देखती रहोगी है ना, इसके साथ मैं भी खाऊंगा, थोड़ी सी हेल्प करूंगा मैं। कुछ नहीं ये अपना मंगाया सब कुछ अपना इसने, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा इस सब चीज़ों में। और अब हमारा डिनर होगा इधर, तो मैं आपको थोड़ा सा डिनर दिखा के चलाऊंगा अभी, ठीक है। देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, दाल हीरोइंस, दाल फ्राई है, दाल तड़का है। तो भाई यहाँ पे हमारा चिकन तंदूरी आ चुका है और नंदनी इस पर टूट पड़ी है बिल्कुल, भूख लग रही है बहुत। अच्छा मैंने इतना ऐसा तो नहीं, मैंने तो मना नहीं किया था। तो भाई हम चिकन तंदूरी खाएंगे, जैसा आया था वैसा रहा नहीं, इसके अंग यहाँ आ चुके हैं और इसमें सिर्फ तरी तरी रह गई है वो खाने वाली है। हाँ तुम तो मेरा मुंह देख रहे थे, प्लेटें लग चुकी हैं और इन प्लेटों का बिरयानी, चिकन तंदूरी, अपना कढ़ाई चिकन, तवा रोटी सब आने वाला है। अपना खाना आ चुका है और ये बिरयानी है, ये अपनी कढ़ाई चिकन है और ये रोटी है, ये कौन सी रोटी है, बटर नान, ये बटर नान है ऐसे ले। तो हम वापस घर पे आ चुके हैं, बहुत सारा क्या है, बहुत सारा खा लिया है हमने और पेट भर गया है, जो बचा हुआ था उसको भी पैक करा के वापस लिया है और बहुत ही अच्छा डिनर था, मज़ा आ गया। तो मेरा बर्थडे बन गया, फिल्म देखी, डिनर किया, घूम रही थी, सबसे अच्छा अच्छा क्या तंदूरी, चिकन तंदूरी लगा जी, सबसे अच्छा चिकन तंदूरी लगा। तो आप भी आके यहाँ पे खा सकते हैं नयागांव में। और नंदनी कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, किसी भी चीज़ के लिए कि खाना कैसा लगा, दिन कैसा गुजरा आज, दिन तो अच्छा, मेले स्पेशली था, बर्थडे था तो मन गया, तो टाटा तो बोल दे सबको, टाटा बोल दे, नहीं सॉरी क्या था।
मैं भाई बोलता हूँ इसी तरफ से और मैं आपको बाकी रिव्यू देता हूँ बाकी। तो मैं फिल्म के बारे में बात करूंगा। फिल्म जो है पठानो एंटरटेनमेंट वाइज बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं या आपको फिल्म देखनी है सिर्फ, तो आप फिल्म जाके देख सकते हैं। पर अगर आप फिल्म में फिल्म देखने जा रहे हैं, रियल में जो फिल्म होती है कि भाई हमें कमियां भी देखनी है, खामियां भी देखनी है, सब कुछ देखना, तो फिल्म वैसे बहुत ही लॉजिकल मानी जा सकती है, क्योंकि फिजिक्स की फिर से बैंड बजाती है यहाँ पे। वैसे भी कोई भी एक्शन मूवी होती है तो उसमें ऐसे चलता ही है, सीन्स बहुत ज़्यादा कॉपी भी कह सकते हैं और इलॉजिकल भी कह सकते हैं। स्टोरी नॉर्मल है, एवरेज है। बाकी जो स्पाई यूनिवर्स है, वॉर, एकता टाइगर मैं को नंबर वन पे रखूँगा, वॉर को दूसरे नंबर पे रखूँगा और पठान को मैं तीसरे नंबर पे रखूँगा। ये वॉर और एकता टाइगर से बेटर नहीं है, ये उनसे नीचे ही है। बाकी फिल्म एंटरटेनमेंट वाइज अच्छी है। शाहरुख खान का बैक हुए हैं, 4 साल बाद आए हैं स्क्रीन पर, तो आप उनको देखना चाहते हैं तो ज़रूर ये फिल्म देखिए। और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म ठीक है। और बाकी अगर फिल्म को हम एकदम मास्टरपीस या कुछ नहीं बोल सकते, जितना ये कलेक्ट कर रही है, जितना इस फिल्म ने कमा लिया है, बोल रहे 40-50 करोड़ पहले दिन कमाने वाली है, तो इतना कलेक्शन मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म का होना चाहिए। पर कमा रही तो अच्छी बात है, कोई नहीं, बॉलीवुड के लिए अच्छा है, शाहरुख खान के फैंस के लिए अच्छा है, शाहरुख खान के लिए अच्छा है। तो बाकी फिल्म की बात करूँ तो फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार, जो ये डिज़र्व करती है जितनी भी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। सलमान भाई का कैमियो जो है उसके लिए मैं 5 में से 5 दूंगा। और किसी का भाई किसी जगह जान का टीज़र भी देखा मैंने, वो भी बहुत बेहतरीन था। तो सारा मिला के 5 में से 2.5 स्टार पठान को मैं देना चाहूँगा। बाकी फिल्म आप जाके देखिए, 1 टाइम वॉच है, ज़रूर देखनी चाहिए आप सबको। टाटा।